बदनावर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल का तूफानी जनसंपर्क जारी है, लिहाजा मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डलवाने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मतदान करने की तारीख भी काफी नजदीक आ चुकी है और पटेल अपनी तरफ से जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। पटेल अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गाँव गाँव जाकर अपने किसानी अंदाज में लोगों से मिल रहे हैं तथा अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। पटेल के जनसंपर्क के दौरान मध्य प्रदेश स्टेट हेड अमर वर्मा ने उनसे बातचीत की तो पटेल ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और ग्लोबल इंडिया टीवी पर आज हमारे साथ बदनावर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल है, उनके साथ जनसंपर्क में काफी लोग साथ में है, क्या उनसे बात करते हैं? आपको काफी जनसंपर्क मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? पूरी बदनावर तहसील का जन सहयोग सभी आशीर्वाद के प्रदान के रूप में मुझे मिल रहा है जी। आप इतने सरल, कहीं हेडपंप पर पानी पी रहे हैं, कहीं लोगों के साथ खटिया में बैठ जाते हैं, इसका कितना फायदा मिलेगा साहब आपको? फायदा तो मिलेगा, मैं तो 40-45 साल से हर मतदाता से, हर भाइयों से मिलता रहता हूं, और मैं एक खेती और किसान हूं, जो कि एक कोई नेता नहीं हूं, पर मैं हर संभव चुनाव में जो भी कांग्रेस पार्टी का चुनाव होता था उसमें सबसे संपर्क में रहता था, इसलिए मेरे पूरा विश्वास जी। पटेल साहब, जैसे एक समय यह था कि आप किसी के लिए जीत की दुआ मांगते थे और आज उनके लिए हार के लिए आपको जनसंपर्क करना पड़ रहा है, कभी ऐसा आपने सोचा था? मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो 18 में राहुल गांधी मुझे टिकट दे रहे थे, मैंने इनकार कर दिया कि मेरे बच्चे जैसा है, फिर भी उनको उनकी आत्मकांक्षा जो जागी मंत्री पद की दूसरी पार्टी में जाने की, तो वो उनका भुगते हैं, मैं मेरा कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस का कार्य कर रहा हूँ। पटेल साहब, जैसे एक मेरा अगला सवाल है कि एक आप एक सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन आपको हराने के लिए क्या ऐसी वजह पड़ रही है कि सिंधिया और शिवराज को बदनावर में 3-3 बार आना पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। घबरा गए? देखो, ये एक राजनीति है, क्योंकि मतदाता कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी, इन्होंने 15 में इन्होंने उसको गिरा दी, क्योंकि हमारे कई निर्माण कार्य जो उद्योग वगैरह जो लगने थे वो उन्होंने 15 महीने में सरकार गिराकर अच्छा नहीं किया, इसलिए मतदाता हर गुस्से में है, और क्योंकि मतदाता ने 5 साल के लिए मत दिया था, न कि उनको बिकने के लिए मत दिया था। अच्छा, मतलब इस वजह से आपके साथ मतदाता साथ में है, आप क्यों नहीं चाह रहे कि कोई बड़े नेता को भी ऐसे ला के आप भी सभाएं कराएं? नहीं, अगर ये कमलनाथ जी की होनी थी हो गई जी, मतलब आप जब मतदाता से सीधा संपर्क आप पूरी बदनावर तहसील से हर गांव, हर नजरे में, हर टोले में मेरे सभी साथी मेरे साथ खड़े हुए हैं, उसे मेरे को कोई फिक्र नहीं है कि मेरी कांग्रेस पार्टी आ रही है, हम 28 के 28 सीट जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, मध्य प्रदेश।